नमस्कार दोस्तों, अनिरुद्ध गोयत के साथ मैं आप सभी पशुपालक और किसान भाइयों का अपने YouTube चैनल किसान डेयरी फार्मिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम गांव खिडवाड़ी में आए हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट रोहतक और हरियाणा में ये गांव आता है। हमारी हर वीडियो में एक यही कोशिश रहती है कि आपको अच्छे से अच्छे पशु दिखाएँ और गाँव गाँव और शहरों में जाकर उन पशुपालकों के पशु आपको दिखाएं जिनके पास एक अच्छा पशुधन होने के बावजूद उनकी कोई पहचान नहीं हो पाती। और हमारी एक यही सोच है कि उनके अच्छे पशुओं को अपने YouTube चैनल पर दिखाकर आपको और उन्हें एक नई दिशा, पशुओं के प्रति प्रेम भावना की एक नई दिशा देने का काम करें। आज हम आपको एक ऐसे युवा पशुपालक से मिलाएंगे जो कि 12वीं कक्षा का स्टूडेंट है और पशुओं के प्रति जो प्रेम भावना और रुचि दिखाई है वो काफ़ी काबिल-ए-तारीफ है। तो इस पशुओं के बारे में हम भाई से डिटेल से बातें पूछे, उससे पहले मैं सभी भाइयों से कहना चाहूँगा कि जो भाई हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन दबाएं ताकि जो भी हम अगली न्यू वीडियो डालें उसकी जानकारी आप तक जरूर पहुँचे। तो भाई एक बार आप अपना नाम और अपना पूरा एड्रेस बताइयो। कर भाई, मेरा नाम साहिल है, गांव खिडवाड़ी, जिला रोहतक। जिला रोहतक, हाँ ठीक। तो भाई का नाम साहिल है, गांव खुडाली और खिडवाड़ी, हाँ। जो कि रोहतक जिले में यह गांव आता है। तो कौन से ब्यात की ब्याई है भाई ये? दूसरे ब्यात की, ठीक। हाँ। तो कितने महीने की ब्याई हो चुकी है ये? एक महीना 6-7 दिन की। तो एक महीना 6-7 दिन की ब्याई है। तो इसके नीचे क्या है भाई? इसके नीचे तो मेल काफ है इसके नीचे। और इसके नीचे कितना मिल्क तैयार है भाई साहब? 16 किलो दूध तैयार है, हाँ। ठीक। तो आपने जो बुल है आपके पास जो एक महीना 7 दिन का है, जो कटड़ा है मिल्क काफ, तो वो सीमन का है या आपने? सीमन का है। तो कौन सा सीमन आपने इस अपनी भैंस पर आई करवाई थी? सरकारी अस्पताल में रखवाया। अच्छा, उसका नाम का नहीं पता आपको? नाम का कोई, ठीक। तो HLDB का है, ठीक। तो वो कटड़ा भी हम आपको दिखाएंगे। एक बार इस भैंस के बारे में थोड़ी डिटेल से बातें पूछ ले भाई के बारे में। तो आपने कितना दूध बताया इसके नीचे तैयार? 16 किलो नेट दूध तैयार है, ठीक। तो कहीं आपने इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह के बारे में नहीं सोचा? नहीं भाई, इसके ऑनलाइन फार्म भरवा रखे थे। हाँ, पूरे 18 किलो दूध दिक्कत हो गई। अच्छा। तो इंजेक्शन लगने के कारण इसका जो मिल्क है वो तक वो भाई, इसने पूरा 18 किलो दूध कटवा। अच्छा अच्छा, तो आपकी ये उम्मीद है कि 18 लीटर दूध आप इसका निकलवा के रिकॉर्ड करवाओगे, हाँ। ठीक। तो कौन से इसके जो थन में दिक्कत बताई है भाई आपने? जो ये आगे वाला है, तो ठीक ठीक। तो अच्छी मिल्क लाइन की भैंस है जो कि, और पिछले ब्यात में इसने कितना दूध दिया था भाई? 14 किलो दूध नेट तैयार था। तो पिछले ब्यात का इसके नीचे क्या था भाई साहब? तो ये वाला है, ठीक। तो ये वाला है जो इसके नीचे कटड़ा था जो पिछले ब्याट का था। तो अपने घर की है या भैंस? आप लेके आए थे भाई से? घर की जोटी है। तो जो इसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड का पता है कुछ आपको? इसकी माँ हमारा दो राड है, 19 किलो में पास करवा रखी है। 19 किलो में अगले 22 किलो दूध काट रहे। अच्छा, आपने वो सेल कर दी थी? सेल कर दी थी तीसरे ब्यात पर। अच्छा, तीसरे ब्यात पे। तो कौन से गाँव में आपने उसको सेल किया था? सांगी, जो आपके नजदीकी पड़ता है, ठीक। तो विलेज सांगी में जो कि इन्होंने वो भैंस को सेल कर दिया था। और इनका कहना कि 19 लीटर दूध है उस भैंस ने इनके घर पे निकलवाया था और भाई ने उसकी रिकॉर्डिंग भी करवाई थी। तो उसका जो आपने मिल्क रिकॉर्डिंग करवाई थी उसकी, तो आपने मेडिकल में करवाई थी? हाँ, मेडिकल में करवाई। तो जो उसका रिकॉर्ड है वो मेडिकल में मिल जाएगा, ठीक। और जो सांगी गाँव में है उसने 22-23 लीटर दूध निकाला है आपका ये कहना है, ठीक। तो काफ़ी अच्छी मिल्क लाइन की है जो इनके पास रोटी है और उसी का ये बुल है। तो इस बुल के बारे में भी हम भाई से पूछेंगे। तो ये उस झोटी का जो पहले ब्यात का कटड़ा है, तो क्या कुछ एज होगी भाई इसकी? जो एक साल ना 16 महीने का कटड़ा। अच्छा, 16 महीने का। दो तारीख। अच्छा, 2 तारीख को जो ये आने वाली 2 तारीख है उसको 16 महीने का ये कटड़ा हो जाएगा, ठीक। तो पहले ब्यात में इसकी माँ ने 14 लीटर दूध निकाला था। तो यह भाई साहब इसको जो है कौन से सीमन का है इसका पता है आपको? नहीं, तो पता नहीं भाई, ये अस्पताल में जो करवाया। अच्छा अच्छा, तो आपने इसका जो बाप है उसका जो नंबर है उसका नहीं पता? नहीं, ठीक। अच्छा, जो भैंसों की देख रेख है वो आप ही करते हो? हाँ। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप साथ में स्टडी करते हो? हाँ। प्लस टू क्लास में हो
और आपने जो मुरा के प्रति जो इतनी जागरूकता दिखाई है, और आपने इसमें रुचि कैसे, आपने इसमें रुचि डाली मुरा के प्रति, आप उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। कुछ ना बनू जो उपाय लिया था फिर हो गया, तो फिर हो गया इसकी ये लाई तनाई हो गया, कितने ले जाऊं मेरी ये लेवड़े ही चला गया हुआ। अच्छा अच्छा हाँ, कितने किया मेरी दादी है। हाँ हाँ, मेरी दादी रोटी हाथ दूध दे दे ठीक 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 ठीक। तो ये जो साहिल की दादी जी हैं, ठीक। तो भाई आप इस बुल को सेल करना चाहते हो? हाँ कर दें भाई, सेल बढ़िया है केला में। ठीक, तो क्या कुछ प्राइस मांग रहे हो भाई साहब आप इसका? 65,000 रुपये। ठीक, तो 16 महीने का कटड़ा है, तो भाई ने बड़े लाड प्यार से इसको पाला है। एक बार फिर हम थोड़ा खोल के भी दिखाएंगे बुल को। तो 65,000 रुपये जो इसका भाई ने इसका जो रेट बताया है, अगर कोई भाई इसे खरीदना चाहता है तो मैं साहिल भाई का आपको स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दूंगा। तो ज़्यादा जानकारी फिर आप इस बुल के बारे में साहिल भाई से ले लें। तो थोड़ा हम बुल को नज़दीक से दिखाएंगे आपको। तो HLDB सीमन का ये कटड़ा है और बिल्कुल छोटे सींग का है, प्योर मूरा में। तो ये आप साफ साफ देख सकते हैं, प्योर ब्लैक जेड जो इसका कलर है, छोटे मुँह का और जो लंबी गर्दन, जो मूरा की जो पहचान होती है, और बिल्कुल सीधे पैर हैं। और जो हाइट और जो लेंथ है कटड़े की वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बिल्कुल लंबा ऊंचाई का कटड़ा बनेगा। तो 16 महीने का है लगभग, होया नहीं 16 महीने का होया नहीं है, यानी कि 2 तारीख को 16 महीने का हो जाएगा। तो प्योर मूरा में है, किसी प्रकार की कोई नोक चोक नहीं है बुल में। थोड़ा सा तो साहिल भाई आप इसको खाने में क्या कुछ देते हो? वो अपने नॉर्मल बाकर खाओ भाई, बाकर भी एक ही टाइम खाता है, जैसे कि सुबह है। अच्छा अच्छा, फिर शाम में ना खाओ ना। अच्छा अच्छा, तो लाले डाइट कम है इसकी। कम है, तो उसके बावजूद भी बुल का जो अच्छा रिजल्ट है। तो 16 महीने का ये कटड़ा है, मैं हाइट और जो लेंथ की बात करूँ वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और बिल्कुल छोटे सिंग का है। तो भाई थोड़ा दूध, 2 किलो दूध दे दिया। अच्छा, दूध पिलाते हो? ठीक ठीक, अपना ठीक ठीक। तो जिस टाइम ये आपके पास, इसने आपके घर पे जब जन्म लिया था, तो कटड़ा आपके पास जब ये छोटा कटड़ा था, तो उस टाइम आपने इसकी किस तरह केयर की आपने, उसके बारे में आप हमें थोड़ा डिटेल से बताएं। भाई इसकी माँ आगे जो कर अगले छोटे थे, पूरा 2.5-3 किलो दूध छोड़ दिया फिर पिछले मतलब जैसे कि महस के रखते थे दूध पूरा था। ठीक ठीक, ये पूरा दूध छोड़ के कटड़े। अच्छा ठीक, तो एक बार भाई आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताइए। 80-59-47-40-45 तो ये साहिल भाई का कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर कोई भाई इस बुल के बारे में डिटेल भाई से जानना चाहता है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको स्क्रीन पर भी डाल दूंगा। तो इस बुल के बारे में ज़्यादा जानकारी आप साहिल भाई से लें। और हमारी वीडियो को देखने के लिए मैं सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर, और हमारी नई वीडियो को और देखने के लिए चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।